गुड मॉर्निंग गाइस, आज के ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह के 9 बजे से, और 9 बजे तक हमने खाना वगैरह खा लिया है, नाश्ता हमारा सारा हो गया है और किचन भी क्लोज करने ही वाले हैं क्योंकि सफाई वगैरह भी बची थी करने के लिए, वो हमने अभी अभी ख़त्म करी है करके। बच्चे भी घर पे हैं और उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो थोड़ा बहुत उनको स्टडी करवाएंगे। तो ये राज भी आ गया है, क्या कर रहे हैं? भी सिखा दिया, कह रहा है कि उसने अपनी बकरी मोह मोह करना सिखा दिया है। उसका नाम भी बताओ। उसका नाम टिम्मू है, पता है गाइस को? नहीं पता, टिम्मू है। ये कौन सा सॉन्ग गा रहा है राज? टाइम हो रहा है 10:30 के आसपास। हम सभी आए हैं गोबर फेंकने, टोकरी लेके आए थे और अभी हम जाते जाते मुंगरे भी ले जाएंगे क्योंकि हम दोपहर को सब्जी बनाएंगे मुंगरों की, तो हमने कल शाम को तोड़े नहीं थे तो आज ही तोड़ लेंगे और फ्रेश फ्रेश बना भी लेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम रहेगा आज का, देखते हैं कुछ चेंजेस ना हुए तो। तो अभी पहुंचे हैं हम अपने मुंगरे वाले खेत में और अभी हम तोड़ेंगे मोहित, और मोहित और राज भी आ गया है। मोहित के पीछे ही राज घुसा पड़ा है। सही से आना, चोट नहीं लगाना। हाँ, होठ तो फट गए हैं सर्दी की वजह से। तो अभी हम यहाँ पे मुंगरे तोड़ लेते हैं। अभी मुंगरे तोड़े जा रहे हैं, इतने सारे मुंगरे लग रहे हैं। लटक गया। आजा दे हाथ, आजा। आंटी ये लसन जगह आंजू बन गए। दोपहर का समय हो चुका है और अभी हम बना रहे हैं मुंगरे की सब्जी, जो उसके लिए मैंने कट करके रख लिया है ये, और कढ़ाई भी चढ़ा दी है तो इसमें ऑयल वगैरह डाल दिया है। अब इसमें तड़का लगाएंगे और फटाफट से खाना बना के रेडी कर देंगे। हमने अपना तड़का लगाना शुरू कर दिया है और अपने सारे स्पाइसेस वगैरह इसमें ऐड कर दिए हैं। अब जैसे ही प्याज हल्का हल्का भून जाएगा फिर हम इसमें डाल देंगे आलू, जिनको हमने पहले से काट के रखा हुआ है। अब इनको चला लेंगे। हल्का सा इनको तेल में फ्राई कर लेंगे। जैसे हमारे आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं। हमारे आलू हो चुके हैं तो अब हम इसमें डालते हैं अपने मोगरे जो हमने कट करे हुए हैं। ये हमारी सब्जी, अच्छे से हम उसको चला लेंगे और कुछ देर के लिए ढक के रख देंगे।
तो अभी हम इसको ढक के रख लेते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में बीच में चलाते रहेंगे। और इस दौरान हम खाना बना लेते हैं। एक साइड हमारी सब्जी हो रही है, दूसरी साइड हमने रोटी भी बनाना स्टार्ट कर दी है और एक रोटी बन गई हमारी। शाम का समय हो चुका है और अभी हम पहुँचे हैं अपने खेत पे घास निकालने के लिए। तो हमने थोड़ा बहुत घास निकाल भी लिया है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला। इस तरीके से हम घास को निकाल लेते हैं और उसको थोड़ी देर साइड में रख के फिर झाड़ झूड़ के फिर अपने टोकरी में भर लेते हैं। और शाम का यही रूटीन रहता है डेली का आजकल। और बच्चे भी घर पे हैं तो हम कर लेते हैं जल्दी जल्दी ये सारे काम। शाम का समय हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं हिमाचली धाम में। यह पास में ही हमें इनविटेशन है तो अभी हम उसमें जाएंगे, उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। तो अभी हम रेडी हो जाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये क्या पकड़ा हुआ आपने? अच्छा, राज क्या कर रहा है? कुछ नहीं, बस टिक्का चिपका रहा हूँ। डिनर करके आ गए हम लोग। ये मैं कितने खाया हूँ? राज कह रहा है कि मैं कितने खाए हूँ उस टिक्का। ये फिर तो महंगा आया हूँ। किसी कह रहा मैं बहुत महंगा आया हूँ। बोलना बोलना बोलना। मेरी शॉल का निकाल लिया इसने। तब कैसे लग रही है आपको मेरी शॉल ये वाली? अच्छा लग रही है। सभी लोगों ने बाबा की जी की बूंद लगा ली। देखो। बिट गया।